अब खबर गड्डा रोड से, जहां आज कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती उपखंड गड्डा रोड मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड्डा रोड में कोविड-19 की सतर्कता को लेकर राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपखंड अधिकारी सुनील पवार के निर्देशों पर कोविड-19 को लेकर तीसरे चरण टीकाकरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण कार्यक्रम चालू हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड्डा रोड में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अशोक मीणा ने बताया कि कोविड-19 को लेकर 10 सीनियर सिटीजन ग्रामीण को वैक्सीन लगाए गए हैं एवं एक महिला को वचन लगाया गया है, वही एक्शन कार्य चालू रहेगा। डॉक्टर साहब, आज जो कोविड-19 को लेकर तीसरे चरण में जो वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया गया, उस बारे में क्या कहना है? कोविड-19 टीकाकरण की थर्ड फेज शुरू हो चुकी है, इसमें वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण हो रहा है। गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। SDM साहब भी निरीक्षण कर गए, तहसीलदार साहब भी आए। अभी तक हमने 10 तो मेल और एक फीमेल के टीके लगा चुके हैं अभी, और कार्यक्रम अभी जारी है। ग्रामीणों का भी इसमें अच्छा सहयोग मिल रहा है, सबको मोटिवेट करके आ रहे हैं अभी हम लगा रहे हैं। आज के इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।